फ्रेंड्स, क्या आपने मुरमुरे को इस तरीके से अप्पे पैन में डालकर कोई रेसिपी बनाई है? इतनी ज़्यादा हेल्दी और चटपटी रेसिपी बनकर तैयार होती है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमें लेंगे एक कटोरी मुरमुरे। अगर आपके मुरमुरे पहले से ही साफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुरमुरे आपके थोड़े से गंदे हैं तो उसे आप साफ कर लीजिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे हल्के हाथों से साफ कर लेंगे। तो एक कटोरी मैंने मुरमुरे लिए हैं तो डेढ़ कटोरी पानी डालकर हम मुरमुरे को डिप करेंगे और इसे है ना आप 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे हमारे मुरमुरे हल्के से सॉफ्ट हो जाए। ये जो मुरमुरे होते हैं ना बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है हमारे मुरमुरे। तो देखिए मैंने इसको छलने में छान लिया है, इसे हमें निचोड़ना नहीं है। छानने से इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, मुरमुरे को हम बिल्कुल भी निचोड़ेंगे नहीं। इसमें थोड़ा बहुत पानी है उसे रहने देंगे। मुरमुरे का नाश्ता हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, अब इसमें भिगे हुए मुरमुरे डाल देंगे, साथ ही डालेंगे आधी कटोरी सूजी। एक कटोरी हमने मुरमुरे लिए थे ना तो आधी कटोरी हमने सूजी डाल दी है। सूजी आप मोटी पतली कोई सी भी यूज कर सकते हो क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। साथ ही डालेंगे 4 चम्मच दही, ये मैंने ताज़ा दही लिया है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। मैं अभी इसमें पानी का यूज नहीं करूँगी, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस समय पानी डाल सकते हो। ये देखिए इस तरह से पीस कर रेडी कर लिया है। सूजी और मुरमुरे को हमें हमारी रेसिपी के लिए गाढ़ा बैटर बना के रेडी करना है। अब हम पूरा मिक्सर एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियां। यहाँ मैंने एक गाजर को कद्दूकस करके लिया है, साथ ही डाल देंगे 2 हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट कर डाल दिया है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। सब्जियां आप अपने मनपसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसमें आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, साथ ही नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अनुसार। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें बारीक बारीक बीन्स को काट कर ऐड कर सकते हो, पालक को भी बारीक काट कर ऐड कर सकते हो, जिससे हमारा नाश्ता और भी हेल्दी हो जाएगा। आप इस नाश्ते को सुबह ब्रेकफास्ट में दे सकते हो, जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तब आप इसे बना सकते हो। ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, जिससे हमारी सूजी फूल जाएगी। ये देखिए हमारी सूजी भी फूल गई है, अभी आप देख सकते हैं थोड़े से थिक हो गया है पहले की अपेक्षा। कोई बात नहीं, हम इसमें पानी डालकर बैलेंस कर लेंगे। पहले हम डालेंगे 2 पिंच मीठा सोडा, इससे हमारा नाश्ता फूला फूला और स्पंजी बनेगा। आप इसकी जगह इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बैटर कुछ इस तरह का होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो इस तरह का हमारा बैटर बनकर तैयार है। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर मैंने अप्पे पैन रखा है और इसके ऊपर सभी सांचे में ब्रश से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना है, इसमें ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सभी सांचे को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैंने सफ़ेद वाला तिल लिया है वो डाल देंगे। सभी खाने में तिल को हमें पकाना नहीं है। और इसी के ऊपर चम्मच से बैटर डाल देंगे। सभी सांचे में यहाँ पर हमें बैटर को ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा कम रखना है क्योंकि हमने थोड़ा सा मीठा सोडा डाला था ना, उसकी वजह से फूलेगा हमारा नाश्ता। सभी सांचे में मैंने बैटर को डाल दिया है। अब इसे कवर करके 3 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये फूलकर रेडी हो गया है। अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हल्का हल्का ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसे स्पून की हेल्प से पलट देंगे, ये इजिली पलट जाता है। और आप देख सकते हैं नीचे से कितना बढ़िया कलर आया है।
फ्रेंड्स, आपने कभी मुरमुरे से अप्पे बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही हेल्दी बनता है और टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया आता है। फिर से इसे कवर करके 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे स्लो आंच पर। आप चाहे तो इसे खुले में भी पका सकते हो। आप इस रेसिपी को सिंपल प्याज टमाटर से भी बना सकते हो। अब हमने इसे दोनों तरफ से अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और इसमें बढ़िया सा कलर भी आ गया है। अब इसको निकाल लेंगे। अब हम इस नाश्ते को सर्व करेंगे। आप इस नाश्ते को हरे धनिया की चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हो या फिर सॉस के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस नाश्ते को जिसे भी खिलाएंगे कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि यह नाश्ता हमने मुरमुरे से बनाया है। ऊपर से क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट और फुला फुला होता है। और मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और जालीदार बना है। और रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।